इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। इजराइल और फिलिस्तीनी के विरोधी के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन मीडिया में बहुत सी कम ऐसी खबर आती है जो इजराइल की आंतरिक स्थिति के बारे में आपको सूचित करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेके आए हैं जिसे पढ़कर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इजराइल की आंतरिक स्थिति ऐसी है। गरीब तो हर देश है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इजराइल में भी इतने गरीब लोग हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार 17 लाख इजराइल लोग इजराइल में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं और इसमें लगभग 7,80,000 बच्चे शामिल है। इजरायली संगठन के अनुसार 25% लोग अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है। इस संख्या के अनुसार इसराइल में गरीबी में वृद्धि होती जा रही है और लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसराइल में गरीबी बढ़ने के कारण इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सरकारी अधिकारियों की गलत नीतियों और सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से जनता को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। भीख मांगने वाले शहरों में वृद्ध, युवा, बच्चे और महिलाएं जो दिन भर भीख मांगते हैं और रात को सड़कों पर सोकर रात गुजारते हैं। ज्ञात हो कि इजराइल सरकार अपने नागरिकों और उनके अधिकारों पर ध्यान देने के बजाय घरेलू बजट का अधिकांश हिस्सा फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और सैन्य उपकरण खरीदने पर खर्च कर रही है।